Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Brain Root series. And here is a book. The name is Cyber Creators. Today we are going to start, children, a new chapter, which is chapter number 4 of your book. And the name is More on MS Word 2021. So yes, we are going to learn some more things in MS Word. In the previous chapter, we learned many things. Here we are going to learn what is header and footer, footnote, endnote, and page background group. So these all things we are going to learn. Let's start with this activity. Mention the different features of MS Word 2021 in the space given below. So यहाँ पे spaces में आपको जो अलग अलग features MS Word 2021 के वो mention करने हैं. So let's start the chapter. Let's start with the header and footer. So header is a piece of text that is printed at the top of each page. तो जब भी आप कोई book देखते हो, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जब भी page start होता है, this is a page. तो ऊपर में हेडिंग वगैरह लिखा जाता है, वो होता है आपका हेडर. और फुटर क्या है, नीचे पेज के नीचे आपको पेज नंबर की स्पेस दिखती है, दैट स्पेस इज योर फुटर पेज. सो द हेडर इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ईच पेज. हर पेज के ऊपर वो आपको प्रिंट मिलेगा ही मिलेगा. इन द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट अ फुटर इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज. हर पेज के नीचे आपको ये मिलेगा of a document. By default, header are printed 0.5 inches from the top of the page and footer are printed 0.5 inches from the bottom of the page. तो header जो है और जो footer है वो header जो है 0.5 inch ऊपर होता है और ये जो footer है वो 0.5 inch नीचे की तरफ होता है page के. Header and footer are usually used to give additional information such as डॉक्यूमेंट नेम, चैप्टर नेम, पेज नंबर एंड डेट. तो ये सारी चीज़ें, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, ये सब लिखने के लिए हम हेडर और फुटर को यूज़ करते हैं. हाउएवर इट इज़ अप टू द यूज़र टू डिसाइड व्हाट इज टू पुट इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. सो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इस ग्रुप में क्या डालते हैं, कुछ डालते भी हैं या नहीं डालते हैं. तो चलिए सीखते हैं कैसे हमें इंसर्ट करना है हेडर या फिर फुटर. So follow the given steps that are given here. First click on the insert tab. तो सबसे पहले हम जाएंगे insert tab. And यहाँ पे आप देख सकते हैं header and footer group में आप header और footer insert कर सकते हैं. अब now we have to click on the header and footer group. पे जाके header पे click करना है. You will see the header gallery with different header design. जिसमें आपको अलग अलग header के design देखेंगे. आपको क्या करना है, क्लिक करना है ब्लैंक हेडर स्टाइल पे और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है या फिर चूज कर लेना है कोई भी स्टाइल जो आप चाहें. यू विल नाउ सी द हेडर एंड फुटर टैब. अब आपको यहाँ पे हेडर और फुटर टैब दिखाई देगा. दिस टैब अपीयर्स ओनली व्हेन योर कर्सर इज इन द हेडर एंड फुटर एरिया. ये आपको टैब तभी दिखाई देगा जब आपका कर्सर जो है हेडर या फिर फुटर एरिया में चला जाता है. द कर्सर विल बी प्लेस इन द हेडर एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट. ये जो कर्सर है हेडर एरिया में जाएगा डॉक्यूमेंट के. टाइप द हेडर टेक्स्ट. अब यहाँ जाके हमें हेडर टेक्स्ट को टाइप करना है. इन सम डिजाइंस यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ डिजाइंस में आपको क्या करना होता है, ब्लैंक इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है. जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइटल फिल करना होता है, ऑथर का नाम फिल करना होता है. अब हमें क्या करना है, फुटर ग्रुप में जाना है जो कि फुटर पे क्लिक करना है जो कि नेविगेशन ग्रुप में है. जो फुटर एरिया है वो आपके सामने आ जाएगा नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट में. या फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो क्लिक फुटर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. हेडर फुटर ग्रुप में जाके वहाँ पे फुटर पे क्लिक करिए और फुटर गैलरी में जाके आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं वहाँ पे आप फुटर स्टाइल को चूज करके फिल कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो दिस इज योर हेडर एंड फुटर पेज. अब यहाँ से आपने हेडर फिल कर दिया, ब्लैंक है, देन ऑस्टिन बैंडेड. तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो आप चूज कर सकते हो डिजायर्ड ऑप्शन. ये आपका पेज है, पेज के ऊपर देखिए यहाँ पे हेडर, ये डॉटेड लाइन के ऊपर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जो भी हेडर चाहिए आपको हर एक पेज में. सो टाइप द फोटो टेक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज रिक्वायर्ड. जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको वैसे फिल करेंगे. अब हमें क्या करना है, हमें क्लोज हेडर या फिर फुटर पे जाना है. सो जब हम क्लोज हेडर फुटर पे जाएंगे एंड इन द रिबन्स और प्रेस एस्केप की, और एस्केप की को प्रेस कर देना है.
If you want to hide the header and footer on the first page, अगर आप header footer को hide करना चाहते हैं first page पे, or want to use a different header or footer, या फिर एक अलग तरीके का header या फिर footer use करना चाहते हैं for the first page, then click on the select checkbox of different page option. तो आपको क्या करना है, different page option पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अलग अलग page के लिए अलग अलग header या फिर footer आप select कर सकते हो. नेक्स्ट कम्स एडिंग आर डेट और टाइम. अब डेट और टाइम को कैसे आपको ऐड करना है यहाँ पे. सो फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट द करेंट डेट और टाइम. तो करेंट आज का जो डेट और टाइम है उसे इंसर्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहला है डबल क्लिक करना है हेडर और फुटर एरिया पे. फिर आपको क्या करना है, इंसर्शन पॉइंट पे जाना है जहाँ पे आपको ये डेट और टाइम फिक्स करना है, लगाना है. नाउ क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम इन द इंसर्ट ग्रुप. अब इंसर्ट ग्रुप में जाकर डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर. तो ये डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है डेट या फिर टाइम फॉर्मेट, जो भी डेट ऑफ टाइम फॉर्मेट हमें चाहिए इन सब में से वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू शो द डेट वेन द डॉक्यूमेंट वॉज प्रिंटेड और इफ़ यू वॉन्ट टू द डेट टू चेंज ऑटोमेटिकली एवरी टाइम यू ओपन द डॉक्यूमेंट. तो दो तरीके हैं, या तो एक से है आप क्या कर सकते हो, एक जो डेट आपने डाली है वो हो सकती है, दूसरा हो सकता है जो जब भी जितनी बार भी आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे डेट और टाइम अपने आप अपडेट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा. तो दोनों में से जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ओके बटन पे क्लिक करना है. तो जो आज का जो डेट और टाइम है वो वहाँ पे शो होगा उस करेंट कर्सर पोजीशन पे. अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे, रिबन पे जाके या फिर एस्केप को प्रेस कर देना है. द कमांड्स ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर हेडर फुटर टूल अलाउज यू टू क्रिएट वेरियस हेडर्स. ये जो कमांड है डिज़ाइन टैब में, ये आपको अलग अलग तरीके के हेडर और फुटर इंसर्ट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट हेडर ऑन ऑड एंड इवन पेजेस. सो ऑड पेजेस पे आप हेडर लिखना चाहते हो, इवन पेजेस पे लिखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस. नेक्स्ट है एडिंग पेज नंबर. अब पेज नंबर कैसे ऐड करना है, इसके लिए हमें फुटर कॉलम पे जाना पड़ेगा. तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर ऑफ फुटर एरिया. हेडर या फिर फुटर एरिया में आपको दो बार डबल क्लिक करना है. इफ देयर इज नो हेडर ऑफ फुटर एट प्रेजेंट देन डबल क्लिक नियर द टॉप और बॉटम मार्जिन. तो आपको क्या करना है, टॉप और बॉटम मार्जिन पे डबल क्लिक कर देना है. अब आपको डिज़ाइन टैब में जाना है, जो हेडर फुटर टूल्स है वहाँ पे आपको ये मिलेगा. पेज नंबर कमांड पे क्लिक करना है. हेडर फुटर ग्रुप में जाके आप देख सकते हो हेडर फुटर ग्रुप है, यहाँ पे आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है. दिस इज योर पेज नंबर ग्रुप. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द करेंट पोजिशन ऑप्शन. अब हमें करेंट पोजिशन ऑप्शन पे क्लिक करना है. दिस इज योर करेंट पोजिशन ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबरिंग स्टाइल. और जो नंबरिंग स्टाइल है उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. द पेज नंबर विल अपियर इन द डॉक्यूमेंट एट द पोजिशन डिजायर्ड इन द स्टाइल चूजन. तो जो भी स्टाइल है उसमें आपको ये पेज नंबर शो होने लगेगा. नाउ एडिटिंग एंड डिलीटिंग हेडर एंड फुटर. अब हेडर एंड फुटर हमने इंसर्ट तो कर दिया, उसे एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है. सो पहले हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे, एडिट और डिलीट द टेक्स्ट एज रिक्वायर्ड. तो आप जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एडिट या फिर डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो. सो नाउ चिल्ड्रेन यू हैव टू क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन और प्रेस द एस्केप की टू एग्जिट दिस क्लोज हेडर फुटर ऑप्शन. सो लाइक दिस चिल्ड्रेन यू कैन एडिट और डिलीट द हेडर ऑफ फोटो. नेक्स्ट कम्स फुट नोट्स एंड एंड नोट्स. सो वॉट आर दीज. सो फुट नोट्स एंड एंड नोट्स प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन. ये क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में. फुट नोट्स क्या होते हैं, ये नीचे की तरफ होते हैं पेज के. वेर एज एंड नोट्स अपियर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. और एंड नोट्स हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में मिलते हैं आपको. अ फुट नोट और एन एंड नोट कंसिस्ट ऑफ टू लिंक पार्ट्स. ये दो लिंक पार्ट्स इसके अंदर होते हैं.
a note reference mark and the corresponding note text. So ये जो note reference है ये क्या करता है, mark करता है जो दिया गया note text है. The note reference mark is next to the relevant text in the main document. ये जो note reference है ये आपको main document के next में मिलेगा. It can be a number, ये कोई number हो सकता है, कोई character हो सकता है या फिर combination हो सकता है character या फिर number का. It indicates that additional information is to be found in the linked footnote or endnote. तो ये बताता है कि जो दिया गया information है वो दिए गए footnote या फिर endnote में मिल सकता है. The footnote or endnote can be of any length. ये जो footnote या फिर endnote है ये किसी भी length के हो सकते हैं. You can format it just as you would format anything, any other text. तो आप इसे format कर सकते हो जैसे आप किसी और text को format करते हैं. Next is inserting a footnote or endnote. तो कैसे insert करना है किसी footnote या फिर endnote को. So you can add these by the given steps. पहला क्या है, position the cursor at the point where you want to insert a reference mark. उस जगह पे अपने कर्सर को ले जाएं जहाँ पे आप ये रेफरेंस मार्क इंसर्ट करना चाहते हैं. अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है, रेफरेंस टैग पे जाना है एंड वहाँ पे जाके इंसर्ट एंड नोट पे जाना है या फिर इंसर्ट फुट नोट पे जाना है. इन द फुट नोट ग्रुप पे ये दोनों आपको मिलेंगे. एज शोन इन फिगर, फिगर दी हुई है आपकी बुक में. दिस इंसर्ट्स द नोट रेफरेंस एट वंस. अब ये क्या करता है, नोट के रेफरेंस को इंसर्ट कर देता है तुरंत ही. अब हमें गो टू स्टेप फोर मीन्स स्टेप फोर पे जाना है या फिर हमें क्या करना है, क्लिक करना है फुट नोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स पे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जो कि आपको फुट नोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा. नेक्स्ट हियर यू कैन सी हियर यू हैव गॉन इन द रेफरेंस कॉलम एंड यहाँ पे आपको जाके फुट नोट्स और हेड नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हो दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे आप फुट नोट्स इंसर्ट कर सकते हो, एंड नोट्स इंसर्ट कर सकते हो. इन द फुट नोट एंड एंड नोट डायलॉग बॉक्स सर्च द फुट नोट एंड एंड नोट डायलॉग्स एज रिक्वायर्ड. तो जो भी आपको चाहिए, फुट नोट चाहिए या एंड नोट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसे आप डाल सकते हैं. इन द नंबर फॉर्मेट बॉक्स, जब हम नंबर फॉर्मेट बॉक्स में जाएंगे हमें वहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है फॉर्मेट को फॉर द नोट रेफरेंस. नोट रेफरेंस के लिए हमें क्या करना है, नंबर फॉर्मेट बॉक्स में जाके सेलेक्ट करना है फॉर्मेट को. इन द स्टार्ट एट बॉक्स टाइप और सेलेक्ट अ वैल्यू, हमें स्टार्ट एट बॉक्स में जाके वैल्यू को सेलेक्ट करना है फॉर द फर्स्ट नोट रेफरेंस, पहले नोट रेफरेंस के लिए. सो आप देख सकते हो ये सिंबल्स हैं जो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. You can use a symbol instead of a numerical or alphabetical note reference. आप क्या कर सकते हो, symbol को insert कर सकते हो numerical या फिर alphabetical note reference की जगह पे. Click symbol to display the symbol dialog box. हमें symbol पे click करना है symbol dialog box को दिखाने के लिए and select the symbol and click OK. जो भी symbol है उसको select करके OK करना है. आप क्या करना है, क्लिक अप्लाई टू क्लोज द एंड और फुट नोट डायलॉग बॉक्स. अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स अपने आप क्लोज हो जाएगा, वर्ड इंसर्ट हो जाएगा. वर्ड इंसर्ट्स द रेफरेंस इन योर डॉक्यूमेंट और वर्ड क्या करेगा, इस सबको आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा. द कर्सर विल नाउ मूव नेक्स्ट टू द फुट नोट. अब ये जो कर्सर है ये फुट नोट के साइड में मूव हो जाएगा या फिर एंड नोट के साइड में मूव हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम या फिर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. टाइप द टेक्स्ट फॉर द एंड नोट और फुट नोट. अब हम यहाँ पे आके टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डबल क्लिक द फुट नोट और एंड नोट नंबर टू रिटर्न टू डॉक्यूमेंट. हमें डबल क्लिक करना है फुट नोट या फिर एंड नोट नंबर पे एंड डॉक्यूमेंट पे वापस से रिटर्न होना है. नेक्स्ट कम्स पेज बैकग्राउंड ग्रुप. सो टू मेक अ पेज विजिबली इंटरेस्टिंग, विजुअली इंटरेस्टिंग, अगर आप चाहते हो कि कोई पेज बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे, वी कैन ऐड वाटरमार्क, चेंज द पेज कलर और ऑल्सो अप्लाई पेज बॉर्डर. तो हम क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं और
बॉर्डर भी लगा सकते हैं. सो दीज कमांड्स आर अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप. तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाके आप वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं. एडिंग वाटरमार्क्स. सो वाटरमार्क इज टेक्स्ट और पिक्चर प्लेस बिटवीन द बिहाइंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट. जो डॉक्यूमेंट है उसके पीछे ये वाटरमार्क आपको मिलेगा. द स्टेप्स टू एड द वाटरमार्क आर. अब क्या क्या स्टेप्स है जिससे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो पहला क्या करना है, क्लिक करना है डिजाइन टैब पे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे जाना है, यहाँ पे जाके वाटरमार्क ऑप्शन को क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है कस्टम वाटरमार्क को. जो प्रिंटेड वाटरमार्क है, जो प्रिंटेड वाटरमार्क है वो इंसर्ट हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट में. अब यहाँ से हमें क्या करना है, इंसर्ट करनी है पिक्चर, पिक्चर को एज अ वाटरमार्क इंसर्ट करना है. तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन को, यहाँ से हमें क्लिक करना है सेलेक्ट पिक्चर पे, सेलेक्ट पिक्चर बटन पे जाना है. आप देख सकते हो पिक्चर वाटरमार्क है, यहाँ पे हमें जाके सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है. दिस इज सेलेक्ट पिक्चर. एंड जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, वहाँ से हम पिक्चर को चूज कर सकते हैं. सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पिक्चर. अब दूसरा है हमें पिक्चर को सर्च करना है, जो भी हमें चाहिए वहाँ से इंसर्ट पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है और जो प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. द पिक्चर विल बी इंसर्टेड एज अ वाटरमार्क और वो लास्ट में वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा एज अ वाटरमार्क. नाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट एज वाटरमार्क. अब टेक्स्ट को एज अ वाटरमार्क लगाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन पे यहाँ पे. सो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन पे. जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा. टाइप द टेक्स्ट यू वांट एज वाटरमार्क एंड क्लिक ओके. तो जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना है वो हम लिख सकते हैं और उसको ओके क्लिक कर देंगे. चेंजिंग पेज कलर. पेज का कलर कैसे चेंज किया जाए. टू चेंज द कलर ऑफ द पेज क्लिक ऑन द पेज कलर ऑप्शन, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर. तो पेज कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी डिजायर्ड कलर हमें चाहिए उसमें से हम चूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है अप्लाइंग पेज बॉर्डर. पेज का बॉर्डर कैसे हम लगाएं. सो हमें क्या करना है, पेज बॉर्डर ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर हमें वहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स पे जाना है. अब इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग में आप देख सकते हो पेज बॉर्डर है, वहाँ पे गए उसे सेलेक्ट किया, आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, इसमें से जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसे चूज किया, ओके पे क्लिक किया और क्या होगा, वो बॉर्डर हमारे पेज में अप्लाई हो जाएगा. नाउ दिस वॉज अ चैप्टर चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्न. अ हेडर इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ईच पेज इन अ डॉक्यूमेंट. अ फुटर इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज. बाय डिफॉल्ट हेडर are printed 0.5 inches from the top of the page and the footer are printed 0.5 inches from the bottom of the page. Footnotes and endnotes provide explanation. ये explanation provide करते हैं, comments या फिर references provide करते हैं text के लिए किसी भी document में. Footnotes appear at the bottom of the page. Footnotes हमेशा page के नीचे आपको दिखेंगे. Whereas end notes appear at the end of the document or section. End notes हमेशा document के last में दिखाई देंगे. A watermark is a text or picture placed behind a document text. तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको document के पीछे दिखेगी. Now children, let's move on to check yourself, which is a book exercise. Here A exercise is take the correct option. We are going to start with the second question. Which of the following can be used as watermark? So, is it picture or is it text or both A and B? So, it is both A and B. So, both can be inserted as watermark. Dash are placed at the end of the document. Document ke hamesha end mein aapko milenge ye. So, footers, footnotes, endnotes or headers. So, these are endnotes. So, remaining questions children, you have to do it yourself. So now children, let's move on to fill in the blanks. The first one is, the insert tab has the command to insert header in a Word document. Second one, a footer is printed at the bottom of a page. Like this children, you have to do the rest of the questions that are given here. Next is, let's move on to write true or false.
So here the first question is, you cannot insert a page number as a header. This is false. End notes appear at the end of our document. Yes, this is true. Do the rest of the questions as a homework. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. So we are going to do this question number 2, which is differentiate between end notes and footnotes. So end notes are always available at the end of a document. You can see them at the end of the document, and footnotes you can see at the end of every page. Now, what are the main steps to add a watermark? So to add watermark, we have to follow some steps. We have to go to the watermark group in the insert tab, and from there we can insert text and picture both as watermark. The given steps, children, you have to write it yourself. Now, the rest questions that are remaining here are your homework. You have to do them yourself. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.